हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की तरफ से यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों पोस्टों के लिए जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट का नोटिस दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है असिस्टेंट वार्डन फीमेल के लिए जो यहाँ है एक वैकेंसी है UR कैंडिडेट के लिए। उसके बाद स्टेनो ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर जो है एक वैकेंसी है UR कैंडिडेट के लिए। उसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है तीन वैकेंसी है, जो कि दो UR के लिए और एक OBC कैंडिडेट के लिए, जिसके लिए यहाँ पर आप लोगों का क्वालिफिकेशन जो बताया गया उसके बारे में बात करें तो असिस्टेंट वार्डन फीमेल के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो है पर 30 से लेकर 45 एयर के बीच में होना होगा। इसके लिए आप लोग जो है पर ग्रेजुएशन होना होगा विथ 1 ईयर का आप लोगों को जो है पर एक्सपीरियंस भी होना होगा। उसके बाद स्टेनो ग्रेड 3 के लिए आप लोगों को जो है पर 21 साल से लेकर 25 ईयर के बीच में होना होगा। इसके लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन होना होगा। उसके साथ आप लोगों का जो स्पीड है वो 8 to 12 परमानेंट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 आवर परमानेंट इन टाइपिंग में होना होगा। उसके साथ आप लोग जो है पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो है लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों का एज बोला गया कि 21 साल से लेकर 40 ईयर के बीच में होना होगा। तो उससे यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है बहुत सारा कैटेगरी दिया गया है। तो सबसे पहले नाइट वेयर डिज़ाइन के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को ग्रेजुएशन होना होगा विद डिप्लोमा इन नाइटिंग टेक्नोलॉजी के साथ, और आप लोगों को यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना होगा। दोस्तों, अगर आपका 10 पास है, अगर आपका डिप्लोमा है 3 ईयर का स्विंग के ऊपर, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना होगा। दोस्तों, अगर आपका 10+2 है, उसके साथ आप लोगों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट है 3 ईयर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर 5 ईयर एक्सपीरियंस होना होगा स्विंग वर्क के ऊपर। दोस्तों, अगर आपका ग्रेजुएट है प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेट है कंप्यूटर के ऊपर और मिनिमम 1 ईयर का आप लोग को एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद लेदर डिज़ाइन के लिए जो है यहाँ पर क्लास 10 रखा गया है, जिसके लिए आप लोग को 3 ईयर आप लोगों को यहाँ पर डिप्लोमा होना होगा इन लेदर टेक्नोलॉजी के ऊपर, और आप लोगों को यहाँ पर 5 ईयर एक्सपीरियंस भी होना होगा। अगर आपका 10+2 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना होगा यहाँ पर 3 ईयर का लेदर अपेरल कंस्ट्रक्शन और पैटर्न मेकिंग के ऊपर। इसके लिए आप लोगों को 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना होगा। दोस्तों, अगर आपका ग्रेजुएट है और DOE ACCC सर्टिफिकेट है और NIIT सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है फैशन कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन होना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आप लोगों को जो है 1 ईयर का यहाँ पर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना होगा फोटोग्राफी के ऊपर। दोस्तों, इसके लिए एक डिमांड ड्राफ्ट आप लोग को देना होगा। यहाँ पर आप लोग को जो है 500 रुपये आप लोग को एक डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। तो यहाँ पर जो जो कैंडिडेट SC ST फीमेल एंड PWD कैंडिडेट थे, उनके यहाँ पर जो है कोई भी डिमांड ड्राफ्ट देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर OBC कैंडिडेट के लिए जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आप लोग को उसको फिलअप करके आप लोग को उसके साथ जो सारा जो डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोग को इस एड्रेस पर भेज देना होगा। यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT कैंपस Block LA Plot 3B Sector 3 सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता 77001 06। तो यहाँ पर आप लोग जो है भेज देना होगा। दोस्तों, इसके साथ आप लोग जो सारा डॉक्यूमेंट भी देना होगा, उसके साथ आप लोग जो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट भी देना होगा। सबसे ऊपर आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं, मैं आप लोग को जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया उसको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग को फिलअप करके आप लोग को जो है सेंड कर देना होगा, वो भी 9/9/2019 के अंदर। दोस्तों, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए बोलो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।